is Komal Agarwal and this is for standard second. Chapter number second is counting in group. और इस चैप्टर में हमको काउंटिंग के बारे में सीखना है, स्पेलिंग्स के बारे में सीखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म सीखना है. तो सबसे पहले आपको पिक्चर में दी हुई है लुक एंड गेस द नंबर. आपको क्या दिया हुआ है, लिखा है आपको कप. ये कप को क्या करना है, आपको काउंट करना है और फिर लिखना है. तो कप को कैसे काउंट करना है, ये दिया हुआ है 3 and 3 is 6 कप. सबसे पहले ऊपर क्या दिया हुआ है, 3 cup 1 plus 2 कितने हुए 3. नेक्स्ट में भी कितने हैं 3, तो 3 plus 3 कितने होते हैं 6. और लास्ट में कितने दिए हुए हैं 4 cup 1 2 3 4. तो 4 cup, तो 6 plus 4 कितने होंगे 10 cup. ये पूरा कप की कितनी एडिशन करेंगे तो कितना होगा 10 cup. वैसे आपको साइड में भी दिया हुआ है एग्जांपल शूज के लिए. तो कितनी है एक शू में, मतलब कितनी पैर आती है, एक पैर में कितने शूज होते हैं, 2 शूज होते हैं. तो ऐसे कितनी पैर है आपने फर्स्ट वाले कॉलम में, तो 1 2 3, सेकेंड में 1 2 3 मीन्स 3 plus 3 कितने हुए 6. नेक्स्ट 3 1 2 3 कितने हुए वापस 3. तो 3 plus 3 6 plus 3 9, इट मीन्स कितने पैर हुए इसके 9 पैर हुए. There are 3 lines with 3 pair of shoes in each line that makes 9 pair of shoes. Second में क्या है कि एक row में कितने हैं 3 और column में भी कितने हैं 3. तो 3 multiplied by 3 कितना होगा 9. तो कितने pairs होंगे ऐसे 9 pairs. Look at how different things are kept in group. Try to guess the total number without counting each thing. हमको क्या करना है, ऐसे काउंट करके नहीं करना है, हमको डायरेक्टली आंसर देना है. तो कैसे देना है उसका मेथड, एक ग्रुप में कितने क्लास है 3 क्लासेस है और ऐसे कितने ग्रुप है 4. तो 3 plus 3 plus 3 plus 3 3 को कितने बार ऐड करेंगे 4 times. तो 3 को 4 times ऐड करेंगे तो कितना होगा 12 और 3 4 से कितना होता है 12. तो कितने क्लासेस है यहाँ पे 12. ये क्या है, इजी मेथड है. इससे क्या करना है आपको, काउंटिंग करने के लिए आपको डायरेक्टली आंसर देना है. अगेन सबसे पहले क्या देखना है कि एक ग्रुप में कितनी थिंग्स है. तो एक ग्रुप में यहाँ पे कितनी थिंग्स है 3 और ऐसे कितने ग्रुप है यहाँ पे 4. तो 3 4 12. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे इयररिंग्स. तो इयररिंग्स में कैसे काउंट करेंगे, एक ग्रुप में कितनी इयररिंग्स है 2 इयररिंग्स है, ऐसे कितने पैर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितने हैं यहाँ पे 12 pairs. हमको यहाँ पे क्या पूछा है, पैर्स का पूछा है. तो कितने पैर होंगे 12 और टोटल इयरिंग्स पूछा है तो 2 multiplied by 12. तो 2 12s are 24 और हम ऐड भी कर सकते हैं 2 को 12 का. तो इसे क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल इयरिंग्स और पैर्स का पूछा है तो पैर्स भी आ जाएगा. There are 3 groups of spoons. दिख रहा है आपको, first group, second group and third group. कितने group है यहाँ पे, 3 groups है. First question पूछा है, how many in each group? एक group में कितने spoon है? तो first line में कितने हैं 4, second line में भी कितने हैं 4. 4 plus 4, 8. तो एक group में कितने हैं 8. Guess the total number of spoon. एक में जब 8 spoons है तो ऐसे 3 groups में कितने होंगे, तो 8 3 are 24. तो कितने स्पून है यहाँ पे 24. ये ट्रिक है, आप ऐसे कैलकुलेशन करना है आपको. नेक्स्ट टॉपिक इज मोर और लेस, लेट अस गेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मोर और लेस. मोर मीन्स जो ज्यादा क्वांटिटी में होती है, जिसको ज्यादा होता है उसको बोलते हैं मोर, और लेस मतलब जो कम होता है उसको बोलते हैं लेस. और हमको यहाँ पे क्या दिया है, बहुत सारी आइटम्स दिए है, थिंग्स दिए है, उसको हमको बता रहे हैं कि कौन सी चीज मोर है मीन्स ज्यादा है और कौन सी चीज लेस है मतलब कम है. फर्स्ट एग्जाम्पल, नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ. आपके माउथ में कितने नंबर्स ऑफ टीथ है. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मोर देन 40 मीन्स 40 से ज्यादा है और लेस देन 40 कि 40 से कम है. तो हमारे मुंह में कितने टीथ है,
लेस देन 40 मीन्स 40 से कम, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, नंबर सेकेंड ऑप्शन लेस देन 40। अगर हमको काउंट करना है तो हम काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है नंबर लेस देन 40 मतलब 40 से कम नहीं होते हैं। नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज, आपको घर पे ऑरेंज है उसको आप देखते ही हो, तो उसमें क्या है सीड्स पूछा है, तो उसके अंदर सीड्स मोर देन 50 मतलब 50 सीड्स से ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं, ये हम लोग देखते हैं इसमें क्या होते हैं लेस देन 50, 50 सीड्स से कम होते हैं। ऐसे कॉल के एग्जाम्पल दिए हैं, प्लास्टिक का दिया है, पेंसिल का दिया है, स्पोक्स का दिया है, तो क्या करना है एक पिक्चर देखनी है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि लेस से के मोर है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इज द बिग कैरेट। चलो अब कैरेट के बारे में बताया है, पर कैसा कैरेट है वो बिग बड़ा, अब इसमें बिग का मतलब क्या होता है जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इधर स्टोरी में क्या दिया है कि एक ओल्ड मैन है उसने कैरेट का सीड प्लांट किया मतलब सॉइल के अंदर कैरेट का सीड डाला है ताकि वो कैरेट ग्रो हो जाए। अब वो कैरेट क्या हुआ, द कैरेट ग्रू बिग एंड स्वीट, पर वो कैरेट इतना बहुत बड़ा ग्रो हुआ था और कैसा था खाने में स्वीट मतलब मीठा दिख रहा था। अब उसने क्या किया, बहुत ट्राई किया कैरेट निकालने का कि मैं कैरेट निकाल दूं, पर उसे निकला नहीं, तो ही क्विकली कॉल हिज वाइफ, तो उसने अपनी वाइफ को बुलाया। तो क्या हुआ, अब वो ओल्ड मैन और वाइफ दोनों क्या करने लगे, कैरेट के लीव्स को पुल करने लगे मतलब खींचने लगे, पर क्या हुआ उनसे भी ये जो कैरेट है वो निकला नहीं। बाद में उन्होंने किसको बुलाया, अपनी ग्रैंड डॉटर को बुलाया, उसकी ग्रैंड डॉटर भी आ गई, देखो यहाँ पे उन्होंने भी पुल किया। अब कौन कौन है, ओल्ड मैन, उनकी वाइफ और डॉटर, ये तीनों है, इन तीनों ने क्या किया वो लीव को मतलब जो कैरेट के लीव है उसको पुल किया खींचा, पर अभी भी कैरेट निकला नहीं। नेक्स्ट उन्होंने किसको बुलाया, कॉल द डॉग, अब वो किसको बुला रहे हैं, डॉग को बुला रहे हैं। तो अब कौन कौन है, ओल्ड मैन, वाइफ, डॉटर, ग्रैंड डॉटर एंड डॉग, अभी चारों ने वापस उसको खींचने की ट्राई की पर वो निकला नहीं, वो कैरेट का है सॉइल के अंदर ही। नाउ उन्होंने किसको बुलाया, कॉल द कैट, अब कैट की चांस है, कैट को भी बुलाया, उन सब ने उसको खींचा पर निकला अभी भी नहीं। क्यों नहीं निकला, क्योंकि वो कैरेट जो था उसकी साइज क्या थी, बहुत बड़ी बिग साइज थी, इसलिए वो क्या हुआ उन सबसे निकला नहीं। अब फिर क्या बुलाया, माउस को, अब माउस भी आ गया, कौन कौन है, ओल्ड मैन, वाइफ, ग्रैंड डॉटर, डॉग, कैट एंड माउस, अब इन सब ने साथ में एक साथ खींचा, सब ने टुगेदर वर्क किया और फिर क्या हुआ, कैरेट को बाहर निकाल दिया। अब उन्होंने क्या किया है, वो कैरेट को निकालने के बाद में उसका घर पे गाजर का हलवा बनाया, इट मींस ये कैरेट कितना बड़ा है मतलब बिग बड़ा है, और साथ में जब काम किया उन्होंने क्या हुआ था, निकल गया। Thank you. Next topic is write numbers name. अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर का आपको नेम लिखना है। ये टॉपिक टेक्स्ट बुक में नहीं है, वर्कबुक में इंक्लूड है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट नंबर पे है 13, क्या है 1, 3, 13, तो 13 की स्पेलिंग क्या होती है, THIRTEE, जब भी 1, 3 है, 11 से लेके 20 तक के नंबर है उसमें क्या आता है टीन, 11 से लेके 19 उसमें क्या आता है नंबर 13, 14, 15, 16 ऐसे, और जब नेक्स्ट 25 से चालू हो जाएगा नंबर तो क्या लगेगा 20 और 5, 25 की स्पेलिंग क्या होती है TWENTY, 20 नंबर क्या है 5, FYBE 5, 25, 26 ऐसे लिख रहे हैं। जब भी 20 है तो लास्ट में क्या लगता है TY, 30, 40 लास्ट में क्या लगेंगे TY। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 40, 40 की स्पेलिंग क्या होती है 40 ऐसे, आपको क्या करना है सबकी स्पेलिंग सीखनी है। नेक्स्ट क्या है, राइट नंबर फॉर द फॉलोइंग, वो आपको स्पेलिंग दी है और
और उसके नंबर लिखना है। तो सबसे पहले स्पेलिंग इसकी है, रीड करते हैं, ELEVEN, इट मीन्स 11। तो 11 क्या लिखेंगे, 1 1 11। नेक्स्ट नंबर क्या है, रीड करते हैं, SEVEN, 7। और क्या लगा है, TY, इट मीन्स 70। और नंबर क्या है, FOUR, 4, 74। हो गया ये। ऐसे आपको इसकी ट्राई, घर पे बैठे बैठे ट्राई करना है, 100 तक स्पेलिंग लिखनी है, लाउडली बोलना है और लर्न करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग क्या होता है कि जो हमको नंबर दिया हुआ होता है उसको क्या करना है, ऐड करना है। वो आप फिंगर से भी ऐड कर सकते हैं, साइड में एडिशन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, काउंटिंग बाई 5। तो इसमें क्या दिया है आपको, 5 5 5 का क्या रखना है, गैप रखना है, मीन्स ऐड करना है। सबसे पहले नंबर दिया आपको यहाँ पे 35। तो 35 में क्या करेंगे हमको, 5 ऐड करना है। तो 5 फिंगर्स निकालते हैं और 35 के बाद में काउंट करना है। 35 के बाद में क्या आता है, 36 37 38 39 40। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 40, लास्ट नंबर हमारे पास क्या आया है, 40। वापस 40 में 5 ऐड करते हैं, 41 42 43 44 45। तो नंबर क्या आया हमारे पास, 45। अब लास्ट नंबर हमारा क्या है, 45। वापस अगेन उसमें 5 ऐड करते हैं, 45 के बाद में 46 47 48 49 50। तो नंबर क्या होगा हमारा वहाँ पे, नंबर इज 50। अगेन अब लास्ट नंबर क्या है हमारा, 50। उसमें और 5 ऐड करके हमें क्या लिखना है, उसका नेक्स्ट नंबर। ऐसे आपके पास की काउंटिंग 3 का आ सकता है, 2 का आ सकता है, 10 का आ सकता है, 4 का आ सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, जो लास्ट नंबर दिया है उसमें आपको जो स्किप काउंटिंग का नंबर दिया है उसको ऐड करना है। सपोज कि नंबर है काउंटिंग बाई 4, तो हमारे पास लास्ट नंबर क्या है, 1 9 19। तो 19 में हम क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे। कैसे, 4 फिंगर्स निकालो, 19 के बाद में काउंटिंग, 20 21 22 23। नंबर क्या होगा यहाँ पे, 23। ऐसे हमको काउंटिंग करनी है। नेक्स्ट नंबर है, इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द मिसिंग नंबर। फर्स्ट नंबर है 46, 46 के बाद में क्या आता है, नंबर 47। 47 के बाद में क्या आएगा, 48। फिर नंबर क्या आएगा हमारे पास, 49, जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। 49 के बाद में 50। बस ऐसे हमको क्या लिखनी है, काउंटिंग लिखनी है। सेकेंड क्वेश्चन में हमको 2 ब्लैंक्स कर दिए और नंबर क्या दिया हुआ है, 50। तो हमको 15 के ऊपर, मीन्स बैक काउंटिंग करनी है। 15 के ऊपर नंबर कौन सा है, 15 के ऊपर नंबर कौन सा आता है, 15 के ऊपर 14। तो क्या लिखेंगे, 1 4 14 1 4 14। 14 के ऊपर कौन सी काउंटिंग आती है, 30। बैक काउंटिंग कर रहे हैं, 13 हो गया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, 13 14 15 15 के बाद नंबर 16। 17 दिया हुआ है, नेक्स्ट नंबर इज 18 एंड देन नेक्स्ट नंबर इज 19। ऐसा क्या करेंगे उसको, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर लिखते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिल इन द बॉक्सेस। अब आपको क्या दिया है, प्लेस वैल्यू दी है, टेंस और वंस। तो जो लास्ट नंबर होता है वो क्या होता है, वंस का, और जो लास्ट सेकेंड नंबर मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू है वो होती है टेंस, 4 5 मीन्स 45। तो सबसे पहले टेंस में क्या लिखेंगे, नंबर 4, 4 टेंस इज इक्वल टू 40, इट मीन्स क्या है वो टेंस की प्लेस। और वंस में क्या आएगा, नंबर 5, इट मीन्स वंस की प्लेस, 4 टेंस एंड 5 वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, 2020, 2020 में टेंस कौन सा प्लेस वैल्यू है, ये 2, दिस 2 इज टेंस एंड 0 इज वंस। तो 2 टेंस की प्लेस में लिखेंगे 2 और वंस की प्लेस में लिखेंगे 0। कुछ नहीं दिया तो क्या लिखेंगे, 0। ऐसे आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट इज राइट द एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म मतलब उस नंबर को बड़ा करना।
मतलब एक ही डिजिट है, तो कितने जीरो लगाएंगे, एक जीरो, एक जीरो लग गया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, वन टू, तो टू लिखेंगे और टू के बाद कोई नंबर दिया हुआ है नहीं, तो कोई जीरो लगेगा नहीं। मीन्स टेन प्लस टू, टेन प्लस टू कितना होगा, ट्वेल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी फाइव, तो फोर्टी फाइव, तो कैसे बोल रहे हैं हम, फोर को फोर्टी और फाइव को अकेला, लीजिए फाइव, फोर्टी प्लस फाइव, फोर के बाद कितना डिजिट है फाइव का, वन डिजिट, तो कितने जीरो लगाया है, वन, प्लस की साइन, यानी नंबर इस वन के प्लेस में है फाइव, क्या लिखा है फाइव।